पैसे भरे, कितने पैसे भर दिए उनको? 5,000 दिए, आज तक रसीद तक नहीं मिली मेरे को, कि अब कितने भरे कितने नहीं भरे भगवान जाने। रसीद मांगे तो मेरे संग में मारपीट करी 3-4 दिन पहले, अभी घर से बाहर निकाल के घर में मारपीट। पिंटू वर्मा जिसको कहते हैं सचिन वर्मा, और उनके मिसेज का नाम, उनके मिसेज का नाम है निशा वर्मा है, और मंडल अध्यक्ष है, और सचिन वर्मा भी कुछ अध्यक्ष वगैरह कुछ तो भी है। और इनने पूरे मोहल्ले में पक्के मकान वालों को भी लोन दिलवा दिए हैं, और मैंने जो पैसे सबसे पहले हमने पैसे भरे, कितने पैसे भर दिए उनको? 5,000 दिए, आज तक रसीद तक नहीं मिली मेरे को, कि अब कितने भरे कितने नहीं भरे भगवान जाने। रसीद मांगे तो मेरे संग में मारपीट करी 3-4 दिन पहले, अभी घर से बाहर निकाल के घर में मारा पहले दोनों लोग लुगाई ने। मैं पढ़ा था, मैं तो अच्छे था, मेरी बीमारी पे टांगड़े पहले टूट रहा है, मेरे बीमार हूँ, वहाँ पोलियो की बीमारी है, विकलांग आदमी हूँ मैं, तो मेरे संग ऐसी हरकत, मैं तो फिर बोल गया, मैं घबरा गया, मैंने ऐसे लड़ूंगा तो कैसे लड़ूंगा, मेरे पीछे बोलने वाले नहीं कोई भगवान। महाराज समय की बात है, कोई आया अधिकारी ढूंढने लिए ले रहा फोटो, अब इनकी मर्जी कहाँ तक पहुँचा कहाँ तक नहीं पहुँचा। काय के पैसे मांगते हैं ये आपसे? ये 5,000 रिश्वत और मांगते हैं, 5,000 तो पहले दे चुका हूँ मैं, फिर 5,000 और कहाँ से लाओ साहब। काय कब मारा आपको? ये अभी 3-4 दिन पहले ही मारा, मगर मैं घबरा रहा था, मैं इसलिए मैं अपने आप में चुपचाप रहा, मगर मेरी कुछ हिम्मत हुई तो मैंने ये बात बताने के लिए। तो कौन है ये सचिन वर्मा? ये जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के ग्यारह के संगठक मंत्री है, और उसकी मिसेस जो है उसके वो महिला मंडल बन गई, लोग ये औरतों की इकट्ठी कर ली, क्या बोले चलो जुलूस निकालो इनका, जो इनके पक्ष में रहती है खाती पीती है तो वो इनके संग रहेगी। अच्छा ये सभी लोगों से पैसा लेते हैं मकान की किस्त डलवाने के नाम? हाँ तो पैसे सबसे लिए इनने, ऐसा थोड़ी कि आज इसने मकान बना लिया, कहाँ से खरीद लिया? ये खरीद लिया और खरीद लिया मामा जी के नाम पर है, मामा जी को झूठ में आड़ में कर रखा, इसने खरीदा और इसका मकान बन रहा है, फिर भी है इतना लंबा चौड़ा मकान, जो गरीब आदमी मेहनत करने वाला नहीं बना पाता, जो आज ये बना रही है, रिश्वतखोर भ्रष्टाचार हो रहा है ये। अब क्या आप FIR दर्ज कराएंगे? मुझे तो उम्मीद है कि मेरे को सरकार भी सहयोग दे, मैं विकलांग आदमी पहले ही हूँ, मेरे हाथ पे पहले टूटे फूटे कमाने की वो स्थिति नहीं, फिर भी कहीं भी कहीं कर ही लेता चौकीदारी। आपके घर में घुस के मारा था? घर में घुसा पहले मारा दोनों, मैं भी इसका बाप भी आ गया था, फिर बाहर में बाहर घसीट के फिर मेरा वीडियो वगैरह मेरे को मालूम ही नहीं था, लोग बता रहे बोला वीडियो बन गया तुम्हारा, फिर मैंने रेम खा गया, अब गरीब आदमी बोले विकलांग आदमी किससे लड़ाई लड़ूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश वाड़िया साहब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।